नमस्कार, मेरा नाम संजय खान है और हम आपको आज ले चलते हैं शिमला की सैर। और हम हैं इस समय कालका पे और यहाँ पर टॉय ट्रेन लग चुकी हैं और अभी यहाँ से टॉय ट्रेन यहाँ से जाएंगी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से कालका से आप जा सकते हैं शिमला। हम आपको ले चलते हैं टॉय ट्रेन की सफ़र में और उसके बाद शिमला, और शिमला के बाद हम कुफरी आपको दिखा दे रहेंगे। तो हम निकल चुके हैं इस समय शिमला के लिए और हम हैं इस समय टॉय ट्रेन में और देख सकते हैं आप ये रास्ता। तो हमारा सफ़र चालू हो चुका है कालका से शिमला के लिए और हम बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन में। हम आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप और हम बता दें कि अगर शिमला आपको टॉय ट्रेन से आना है वो सबसे पहले उसको कालका आना होगा, चाहे वो किसी भी शहर से आए। तो कालका से आपको टॉय ट्रेन की टिकट लेनी होगी या फिर आपको अगर सीट चाहिए तो आपको एक महीने पहले या एक हफ्ता पहले आपको टिकट ऑनलाइन बुक करनी होगी। इसमें अलग अलग रेट की टिकटें आपको मिल जाएंगी, आपको 2S क्लास मिल जाएगी, आपको VS क्लास मिल जाएगी, इसमें आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। इसकी सबसे कीमत कम रेट की 65 रुपये है और उसके मैक्सिमम 800 रुपये है जो फर्स्ट क्लास है, जो कि सबसे पहली ट्रेन निकलती है सुबह 5:30 बजे पे। अब देख सकते हैं कि हम निकल चुके हैं सफ़र पर और स्टेप बाय हम आपको बताते रहेंगे और क्या क्या रास्ते में आ रहा है हम वो भी आपको बताते रहेंगे। हम बता दें कि कालका से शिमला का सफ़र मैक्सिमम 6 घंटे का है और मिनिमम 5 घंटे का रास्ता है। बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं एक एक मिनट स्टेशन पर रुकती है, जो कि सबसे ज़्यादा 5 मिनट बड़ोक पर रुकती है और उसके बाद 3 मिनट ये सोलंग पर रुकती है, उसके बाद मेन जो जंक्शन पड़ते हैं वहाँ 2-2 मिनट रुकती है। बने रहिए मेरे साथ। तो हम उतर चुके हैं शिमला रेलवे स्टेशन पर, अब यहाँ से हम चलेंगे होटल में, फिर हम आपको दिखाएंगे आगे कुफरी का नजारा भी। फाइनली 6 घंटे का सफ़र करके हम शिमला पहुंचे थे जहां होटल लिया था और होटल में आराम करने के बाद निकले हैं शिमला माल रोड, जहां हम आपको रात का नज़ारा दिखा रहे हैं। जिस समय हम पहुंचे थे ये 6 जनवरी की रात हम पहुंचे थे शिमला माल रोड पर, जहां पर ठंड बिल्कुल भी नहीं थी और उस समय बर्फ भी कहीं भी हमें देखने को नहीं मिली थी, मगर लोग काफ़ी लोग दूर से आ रहे थे, वो इस आसार में आ रहे थे कि शिमला में स्नोफॉल हो तो वो बर्फ का लुफ्त उठाएं। हम आपको दिखाएंगे दूसरे दिन का आपको अपना वीडियो। तो देख सकते हैं कि अब हम 7 जनवरी की सुबह 11 बजे का हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर काफी चहल पहल है और धूप आपको यहाँ पर खिली हुई नजर आ रही होगी, ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि दिल्ली के अंदर काफी ठंड थी मगर शिमला में ठंड आपको देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये है माल रोड, माल रोड से आगे का ये हिस्सा है जो देख सकते हैं कि अब चारों तरफ रौनक ही रौनक है मगर धूप ज्यादा है। लोग आ रहे थे क्योंकि 7 जनवरी यानी कि शनिवार का दिन था, लोग इस आस से आ रहे थे कि उनको शिमला में जो स्नोफॉल देखने को मिले, मगर सभी लोगों को मायूसी देखने को मिली। वही हम बता दें कि शनिवार को 70% ऑनलाइन होटल भी बुक हो गए थे, मगर कुछ लोगों ने तो होटल ही कैंसिल करा दिए थे जब पता चला कि शिमला में बर्फ नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अब कुफरी का नज़ारा। हम इस समय आगे हैं कुफरी में और कुफरी के अंदर हम इस समय आपको लेकर चलते हैं आगे चिड़ियाघर में, और यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर बर्फ गिरी हुई है क्योंकि हिमाचल में स्नोफॉल नहीं है तो लोग कुफरी लेके घूम रहे हैं यहाँ पर। और देख सको ये सामने जू है आकाश कुफरी का, और इसके अंदर हल्की हल्की बर्फ भी गिरी हुई है, लोग यहीं लुफ्त उठा रहे हैं। अब हम भी आपको दिखाएंगे और भी आगे, और बने रहिए मेरे साथ। तो आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल की राजधानी शिमला का ये कुफरी है और कुफरी का ये चिड़ियाघर है। इसके अंदर 50 रुपए की टिकट है, जब आपको चिड़ियाघर घूमना है तो सबसे पहले आपको 50 रुपए की टिकट लेनी होगी, 5 साल से ऊपर के बच्चे की 50 रुपए की टिकट है। इस चिड़ियाघर के अंदर आपको शेर, भालू, चीता, पक्षी देखने को मिल जाएंगे, लोग यहाँ भी घूमने आ रहे हैं। वही इस चिड़ियाघर के अंदर स्नो भी देखने को मिली क्योंकि 3 जनवरी को कुफरी के अंदर बर्फ गिरी थी,
तो इस जगह पर सूरज कम आता है तो बर्फ नहीं पिघली हुई थी, इसलिए 7 जनवरी को भी इस चिड़ियाघर के अंदर आपको बर्फ देखने को मिल रही है। बने रहिए मेरे साथ और अब हम दिखाते हैं आपको कुफरे की दूसरी जगह, जहां पर 500 रुपए हॉर्स पर राइडिंग करने के बाद आपको चढ़ाई करनी होती है, वहां पर एडवेंचर भी होते हैं। बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, हम इस समय कुफरे के टॉप पे जा रहे हैं और हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा बेटा बेटा है और आगे पे मेरी वाइफ है, उससे आगे वाली भी मेरी डॉटर है। अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम मैंने बैठाला है और जब इंजॉय करने आए तो इंजॉय पूरा करना है। इसमें पैसे क्या देखना, क्योंकि इस पे पैदल भी जा सकते हैं मगर क्योंकि हॉर्स काफ़ी हैं इसलिए पैदल में दिक्कत आती है, इसलिए हॉर्स लेना ज़रूरी है। और 500 रुपये पर हॉर्स है, अगर ऊपर एडवेंचर करना हो तो ऊपर उसके अलग चार्ज लगते हैं, और वैसे खाली घूमने जाना है तो 500 रुपये हॉर्स राइडिंग है इसमें, और वापिस भी यही लेके आएगा। बने रहिए मेरे साथ। हम हैं कुफरी सबसे टॉप पर है जो हॉर्स राइडिंग करके आए हैं। यहाँ बाजार है मगर स्नोफॉल नहीं है। यहाँ पर हम बता दें कि देखने वालों को कि अभी यहाँ पर स्नोफॉल नहीं है। तो ये है कुफरी के टॉप का, जहाँ 500 रुपये हॉर्स राइडिंग करने के बाद पहुँचा जा सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको बाजार देखने को मिलेगा, जहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है। तो कुछ दूरी पर जाकर यहाँ पर खाई की साइड में बर्फ देखने को मिली। लोग यहाँ पर लुफ उतारे हैं क्योंकि लोग बर्फ देखने आ रहे थे मगर बर्फ कहीं देखने को नहीं मिली क्योंकि स्नो नहीं हुई थी। जो 3 जनवरी को जो स्नोफॉल हुई थी वही यहाँ पर कुफरी में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम कुफरी के टॉप पर है और यहाँ ही पर सिर्फ स्नो है जो कि 3 दिन पुरानी है। लोग ही इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और कहीं भी आपको बर्फ नहीं मिलेगी, क्योंकि देख सकते हैं काफी खाई के नीचे है। और 500 पे एक हॉर्स पे सवारी करके हम ऊपर आए हैं, सिर्फ यही आपकी स्नोफॉल है।